कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और अपने अमान में रखे। व्यूअर्स, आपके यहाँ मौसम कैसा जा रहा है? यहाँ काफ़ी गर्मी हो गई है, 5-6 दिन से तो बहुत ज़्यादा गर्मी फील हो रही है। तो गर्म हवाएँ भी चल रही हैं, फसलें हमारी माशाल्लाह पकने वाली हैं। चंद दिन तक हमारी गंदम की फसल तैयार हो रही है, तो उस जिसकी वजह से गर्मी की शिद्दत में काफ़ी इजाफा हो गया है। सो व्यूअर्स, रोज़े कैसे जा रहे हैं? हमारे तो माशाल्लाह से अच्छे जा रहे हैं। बाकी ईद बहुत करीब आ रही है, तकरीबन 8 से 9 दिन रह गए हैं ईद आने में। तो बच्चे बहुत ज़िद कर रहे थे, कह रहे थे कि हमने शॉपिंग करनी है। सो मैंने सोचा कि चलो इनको तो शॉपिंग करवा के देना, बाकी तो जो होगा देखा जाएगा। छोटा बच्चा, बड़ा बच्चा जो है वो स्कूल गया हुआ है, छोटा बच्चा घर पे था, तो ये सुबह से इतनी ज़िद कर रहा था कि मामा मुझे कपड़े लेकर दें। तो मैंने कहा चलो इसको ले जाते हैं, इसकी शॉपिंग कर देते हैं, उसका भी देखेंगे, अगर कोई अच्छा लगा तो अंदाजे से ले आएंगे। वैसे तो मुझे अंदाज़ा है कि उसका साइज़ क्या है, तो इसीलिए अब हम निकलने लगे थे, तैयार हो गए थे। तो मैंने कहा कि मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर लूँ, साथ साथ शॉपिंग होती रहेगी, साथ साथ व्लॉग भी चलता रहेगा। तो ये बेबी मेरा बहुत एक्साइटेड है। हाँ जी, कहाँ जा रहे हो? शॉपिंग करने। क्यों, क्या करनी है शॉपिंग? फ्रॉक लेने। फ्रॉक लेनी है? तो आपने रोजे कितने रखे हैं? 4 रोजे रखे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो रोजा रखते हो तो रोजा आपको फील नहीं होता? नहीं। जरा सा भी नहीं होता? नहीं। माशाल्लाह माशाल्लाह, इसने भी 4 रोजे रखे हैं, ये हमारा बेबी, इसने जी 4 रोजे भी रखे हैं। तो ये डेली मेरे साथ इफ्तारी भी करता है और ये दुआ भी मांगता है। ये पता नहीं अल्लाह ताला से कौन कौन सी दुआएं मांगता रहता है, बताता तो मुझे कम ही है, लेकिन दुआएं बहुत मांगता है ये। डेली इसने दुआ मांगनी होती है, मामा मैं दुआ मांग लूँ फिर मुझे जमेश्री मिलेगी ना? मैंने कहा जमेश्री आपको दुआ के बगैर भी मिल जाएगी, टेंशन ना लो, जमेश्री हम आपको दे देंगे। इसे जमेश्री बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये जमेश्री बहुत पीता है। ये है जी हमारा बेबी, शरारती सा, सारा दिन मेरा दिल लगाए रखता है, वो दूसरा स्कूल चला जाता है और ये लगा रहता है कार्टून पे, जैसे ही मोबाइल उसके हाथ से पकड़े। क्या? हाँ जी, और गेम्स खेलता है, कार्टून देखते हैं और गेम्स खेलता है। वाओ, मुझे नहीं पता था कि इसको गेम्स भी खेलने आती है। चड़ेल वाले कार्टून भी देखता है। चले जी फिर हम चलते हैं, इससे पहले कि हम लेट हो जाए हम निकलते हैं। ओके। ये जी मैंने आज जो मार्केट गई थी, ये मैंने शॉपिंग की है। ये हतीम की, ये हतीम का ड्रेस है ईद के लिए, ये टॉप है इसका और ये इसके साथ ट्राउज़र है। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है, ईद के दिन ये पहनेगी, मुझे तो बहुत ही नाइस लगा ये। ये इसका ट्राउज़र है और ये इसका टॉप है, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, बहुत प्यारा है। तो ये मेरे छोटे बेबी का है, निकर और शर्ट है। ये वाला बेबी जो थक के होशो हवास से बेगाना होकर लेटा पड़ा है, इसे कोई पता नहीं है, कोई खबर नहीं है। मार्केट गया हुआ था मेरे साथ, थक गया है, थक गया, नहीं करो नहीं करो, सोने दो, सोया पड़ा है, कोई खबर नहीं है इसको। नहीं, हाँ फाइज इसकी खुली हुई है, हाँ मन भी जी। ये मेरा बेबी है, सोया पड़ा, कोई ख़बर नहीं है, बहुत थकन हो गई थी, हम मार्केट गए, इतनी गर्मी थी आज, इतना यकीन मानो रोज़ा फील हो रहा है ना आज। पहले मार्केट गए, पहले घर के काम किए हैं, फिर उसके बाद मार्केट गए, मार्केट जाके ये शॉपिंग की है, ये मैंने शॉपिंग की है। एक मैंने घर के लिए चूल्हा लिया है, सिंगल, डबल तो ऑलरेडी था, एक सिंगल चूल्हा लिया है, उसके अलावा घर के छोटी छोटी चीज़ें ली हैं, सब्ज़ी वगैरह ली हैं 2-3 दिन के लिए, इस तरह काफ़ी सारा सामान लिया है। ज़्यादातर मुझे हतीम के कपड़े ढूंढने में टाइम लगा है, क्योंकि इसके कपड़े मिल ही नहीं रहे थे मुझे, मेरी पसंद के नहीं मिल रहे थे, मिल रहे थे कॉटन के, इतने ज़्यादा कढ़ाई वाले, लेकिन नीचे इसके कॉटन लगी हुई है, देखना नीचे इसके कॉटन है, टोटली कॉटन लगी हुई है, नॉन कॉटन, ठीक है, इससे गर्मी नहीं फील होगी। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है, फैंसी है, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा है। और इसके ट्राउज़र बहुत नाइस है, चुनट वाला। ये मेरे छोटे बेबी का है, बच्चे मैं पहली दफ़ा गई हूँ कि इसके बगैर मैंने शॉपिंग की है, इसको स्कूल भेज के शॉपिंग की है, ये स्कूल गई हुई थी,
तो वरना इसकी ज़िद होती है मुझे ये ले दो, ये गंदे मंदे जो बिल्कुल मुझे अच्छे नहीं लगते वो इसको अच्छे लग रहे होते हैं। तो आज ये स्कूल गई है, हम इसको भेज के चोरी चोरी में है, और मेरे बेबी आराम से हम गए हैं, हमने शॉपिंग की है। बेबी बहुत ज़्यादा थक चुका था, बार बार कहते मामा मुझे आइसक्रीम खिला दो, मुझे बहुत भूख लगी है। मैंने कहा आइसक्रीम से तो भूख नहीं ख़त्म होती, मामा चार पांच आइसक्रीम खिला दो, मत छेड़ो इसको सोने दो, मुझे चार पांच आइसक्रीम खिला दो फिर मेरी भूख ख़त्म हो जाएगी। यूँ करते करते हम आए हैं दोपहर टाइम, तो बहुत मज़ा आया है, शॉपिंग माशाल्लाह बहुत अच्छी हो गई है। तो ये है कि पसंद की चीज़ मिल जाए ना फिर ज़्यादा खुशी होती है। बाज़ का तो हम जाते हैं मार्केट लेके आ जाते हैं लेकिन हमें पसंद नहीं होता, मुझे तो बहुत नाइस लगा है। तो मेरे से बताइए कि मेरे बच्चों के कपड़े कैसे हैं। गिर गया, सो व्यूअर्स अब हम मार्केट से आके खेतों में आए हैं सैर करने के लिए। ये जी हमारी टमाटर की फसल है, ये टमाटर उगे हुए हैं, ये देखें अभी कच्चे हैं, ये देखें ये टमाटर हैं, टमाटर की ये हमारी फसल है। हम इसको देखने आए थे तो ये देखें ये टमाटर लगे हुए हैं, अभी छोटे छोटे हैं और कच्चे हैं। और इसके साथ ये प्याज है, ये प्याज की फसल है। ये सारी टमाटर की फसल है माशाल्लाह से, ये देखिए कितनी खूबसूरत है। गंदम पक चुकी है, तैयार हो चुकी है, देखें येलो नज़र आ रही है, ये देखें अब चंद दिन तक इसकी कटाई शुरू हो जाएगी। यस गोडी करना, ये जो फालतू घास होता है इसको निकाल देती है। देखो के साथ ना आ जाएगा, चलो हमें भी दिखाओ चढ़ के। उच मैं खुद गिर गई, मम्मी देखें आप कैसे चढ़ती है दरख्त के ऊपर।
चलो चलो आप आ जाओ नीचे नीचे आ जाओ। नहीं चढ़ा जाएगा आपसे, गिर जाओगे, टांग भी अंदर ही रह जाएगी। ओ देखो 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 किस चीज में बैठी हुई हो? बैलगाड़ी है ये। मजे की सवारी है। इधर मुंह करो। अब हम वापस जा रहे हैं घर की तरफ। उसके साथ ही इजाज़त दें, टेक केयर।